नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। बुद्धा कॉलोनी थाने के दूसरा मोहल्ले के मकान संख्या B6 में रहने वाले रिटायर्ड चीफ इंजीनियर HP सिंह 85 और उनकी पत्नी साधना सिन्हा उर्फ स्वप्ना 80 की गुरुवार की रात गला और मुंह दबाकर हत्या के बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हम पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और बिहार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अपने आप को सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आए दिन हत्याएं बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में डबल मर्डर्स हुए हैं और ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और बिहार सरकार के जो सिर्फ हम ही नहीं, हम विरोधी दल के नेता है, सिर्फ हम लोगों ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के जो श्रम संसाधन मंत्री है विजय सिन्हा, उनका भी ये कहना है कि बिहार में अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी उस पर लगाम लगाने में विफल हो रहे हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो हम जनता की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहें एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।